हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स ऑल बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है, तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आज हो गया 7 फरवरी हो गई है, जो कि लगभग अपडेट आपके पास बिल्कुल बोर्ड का करीब आता जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना भाई, और अच्छे से क्वेश्चन पेपर में आप कर सकें। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। आप देखते होंगे कार के बेसिकली फ्रंट मीन से जो ग्लास होता है, ठीक है, सामने, तो वहाँ पे क्या होते हैं, दो वाइपर्स होते हैं बेसिकली, डस्ट पार्टिकल्स को या बारिश होने लगती है तो साफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक और हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप नहीं करते, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज इस तरीके से एक पाथ होता है, तो इस तरीके से मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, तो एक वाइपर ये लगा हुआ है जिसका रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, और इस तरीके से वो बेसिकली 120 डिग्री पर क्या करते हैं सर, स्वीप करते हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से मीन्स टोटल एरिया ऑफ क्लीन, मीन्स आपको इस तरीके से जब भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना अगर हुआ करे तो मेरे भाई लोग कैसे करोगे, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, आप लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, तो उस केस में आपके पास क्या बन करके आएगा, जरा ध्यान से देखिए और समझिएगा। थीटा अपन क्या होता है सर, 360 डिग्री हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया मेरे भाई बहनों, थीटा आपके पास 120 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एट ई स्वीप तो दो स्वीप है, तो टू टाइम से मल्टीप्लाई, एक स्वीप का थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर हो गया और एक का फिर वही सेम होगा, तो इसलिए टू टाइम्स लगा दिया मेरे भाई लोग, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब इस तरीके से 2 into थीटा, थीटा मतलब 120 डिग्री हो गया, अपान में कितना हो गया 360 डिग्री, पाई मतलब 22/7 हो गया, रेडियस आपको दे रखा सिर्फ 42 का स्क्वायर हो गया सर, बोल फिले 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36 हो गया, इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 into आपके पास 1/3 हो गया सर, 22/7 हो गया, इंटू 42 इंटू कितना हो गया 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ देखिए 7 3 21 होता है, तो 21 2 42 होता है, बोलो क्लियर सर जी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 2 4 हो गया, इसके बाद 2 4 8 हो गया सर, 84 आ गया आपके पास, इंटू 22 इंटू आपके पास 2 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से 22 का टेबल आप 4 बार पढ़ेंगे तो 88 आएगा सर जी ऑप्शन में, आप अब यहाँ देख सकते हो कौन से में लास्ट में 8 आ रहा है, ये ऑप्शन बनने वाला है, फिर भी करके आपको दिखा देते हैं। 22 का टेबल आप 8 बार पढ़ेंगे 176 होगा, 176 में यदि आप 8 जोड़ते हैं, 176 में आप यदि 8 जोड़ेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में, चलिए सर अभी अच्छा 2 से भी मल्टीपल है ये ऑप्शन नहीं बनेगा, तो आपका 8 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 84 कितना होता है 16 होता है, अभी 6 8 14 हो गया, इसके बाद 184 आ गया, क्लियर 184 आ गया। देखो सर 1 times आप करोगे, देखो लो सर जी आपका क्या था 2 times था, आपका 1 times किया तो ये आ गया, देखो जल्दबाजी मचाओगे तो ये भी ऑप्शन बन जाएगा सर, लेकिन ये ऑप्शन है नहीं, बल्कि अभी आपका क्या बच गया सर 2 से मल्टीपल बचा हुआ मेरे भाई बहन लोग, तो इस तरीके से आपके पास क्या गया 2 8 16 2 4 8 + 1 कितना हो गया 9 हो गया, ऑप्शन बी राइट हो रहा है सर, 2 8 16 और 16 की कितना हो गया 6 हो गया, 2 1 2 + 1 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप के बारे में फाइंड आउट करेंगे तो 2 times लगाना नहीं भूलेंगे, 1 times करेंगे तो सी ऑप्शन है, 2 times करेंगे तो 3 6 9 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे भाई बहन लोग, तो इस चीज को आपको बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझना होगा, बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन की क्या करेंगे सर, सॉल्विंग करेंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा सर, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल बारीकी से आप इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, बस आपको कंटिन्यूस कार्य करते रहना होगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन टू कह रहा है कि क्वाड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सर, लिखा हुआ है ए क्वाड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, एक क्वाड है ठीक है, एक क्वाड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस मींस क्वाड लेट सपोज जैसे मान लीजिए क्वाड ठीक है उसका मींस जो रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा सर जी, 17 एंगल ऑफ 60 डिग्री आपको दे रखा सर, ठीक है ओके सर। आगे बोला इन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बोला इन्होंने, फिर इसके बाद बोला द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड कहलाता है मेजर सेगमेंट,
तो ओ ए बी अगर आप देखिए सर ये रेडियस आपका क्या है सर सेम है, तो देखिए सर ओ ए बराबर क्या है ओ बी है, क्यों है सर जी सेम रेडियस होने की वजह से मेरे भाई बहन लोग आप ध्यान से समझ सकते हैं क्लियर। अब इसके बाद यदि ये सेम है तो आप देखिए सर ये 63 इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी आइसो मतलब अभी फिलहाल के लिए आइसोसेलेस जिसके दो साइड सेम होते हैं आइसोसेलेस कहलाता है। लेकिन सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये जो डेल मींस यदि एंगल 60 है तो ये भी कितना कितना होगा सर 60 होगा, दोनों एंगल बराबर है तो ये भी कितने होंगे 60 ही हो सकता है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो देन आप देख सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल जो ओ है वो 60 डिग्री हो गया, और जब किसी ट्रायंगल के एंगल का मतलब जो सम है मतलब सॉरी इंडिविजुअल एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है सर। क्या बन जाता है मेरे भाई बहन लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए तो इसका मतलब यहाँ पे कॉर्ड भी कितना होगा सर 28 सेंटीमीटर का खेल खेलेगा। ओके सर अब इस तरीके से जो है सारे साइड भी सेम होंगे ठीक। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान दीजिएगा सर समझना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना, यदि हम बेसिकली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ क्या करें सर जी मतलब इक्विलेटरल जो ट्रायंगल का एरिया उसको माइनस कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मींस आपको क्या निकालना सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकालना सर, देखिए यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे सर जी, आप एरिया ऑफ क्या करेंगे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए मतलब इसको आप पी मान लीजिए सर जी ओ ए पी बी माइनस आप क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रैक मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है भैया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई लोग ओ ए बी आपका दिखा है, इस तरीके से आपने फार्मूला बना लिया। ओके सर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन कितना होता है 360 डिग्री इंटू क्या हो गया सर पाई आर स्क्वायर, इसी तरीके से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू क्या हो गया साइड का स्क्वायर, दैट मींस साइड मतलब आर ही है सर आर का स्क्वायर हो गया बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे थीटा मतलब कितना है सर 60 डिग्री अपॉन में कितना हो गया 360 हो गया पाई पाई रह गया सर आर स्क्वायर दोनों में क्या सर कॉमन है रूट 3 अपॉन क्या हो गया 4 इंटू आर स्क्वायर हो गया सर। अब आपका 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया तो 60 अपॉन कितना हो गया मीन्स 6/1 है मतलब 1/6 आ जाएगा टोटल लिख सकते हैं तो 1/6 पाई। आप पाई के बारे में सर जी आप देखिए यहाँ पे वैल्यू 1.732 मतलब 22/7 आप लिखेंगे सर माइनस रूट 3 मतलब 1.732 अपान में क्या लिख सकते हैं सर 4 आप लिख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे रेडियस मतलब दे रखा है सर बाहर आप कॉमन कर लेंगे 28 इंटू कितना हो जाएगा सर 28 क्योंकि आर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं 3 से यहाँ पे भी आप कैंसिल कर सकते हैं तो 11 आ जाएगा 2, 3, 6 तो 11 आ गया तो दैट मीन्स 11 अपॉन कितना हो गया सर 3, 7, 21 होता है बिल्कुल क्लियर हो गया। माइनस में देखिए सर आपके पास कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 4 आपका 4, 4, 16 पॉइंट लग गया आपका 4, 3, 12 हो गया सर जी। अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया 4, 3, 12 हो गया सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस तरीके 0.33 आ गया एंड इंटू 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 676 आता है ये आपको पता है ना भैया लोग कितना होता है 676 आता है। अब मन कहे तो आप ऐसे इसको रहने दो क्योंकि भी कुछ वैल्यू यहाँ पे आने जा रही हो देखिए सर 21 से इसको डिवाइड करेंगे 110 होगा 21 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 10 कितना होगा सर 5 होगा है ना भैया फिर 50 रह जाएगा 21 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 42 81 है रिमाइंडर तो इस तरीके से 20 का टेबल अगेन एक बार और पढ़ लीजिए तो 80 होता है 21 का टेबल कितनी बार पढ़ सकते हैं सर जी 3 बार ही पढ़ सकते हैं 63 ठीक है ना 0.523 मान लीजिए सपोज आ गया आपके पास तो 0.33 हो गया इंटू आपके पास 28 इंटू 28 में मल्टीपल में आगे लिख दे रहा हूँ मेरे भाई बहन बोलो आया सर समझ में नहीं। अब यहाँ पर डेसिमल आपका लाइन डेसिमल है 3 में से 3 गया 0 हो गया सर जी। इसके बाद यहाँ पे आपने रिमाइंडर कैरी किया तो इस तरीके से जो है आपके पास कितना आ गया 12 में से 3 गया तो कितना आ गया सर 9 आ गया 0 कितना आ गया सर 9 और ये 28 इंटू 28 कितना होता है सर 676 हुआ था। अब आप 9 का टेबल पढ़ लीजिए 9, 6, 54 हो गया सर जी 9, 6 कितना हो गया 54। अब इस तरीके से जो है 9 का टेबल अगेन पढ़ेंगे 7 बार तो कितना होता है 9, 7, 63 होता है। अब इस तरीके से 63 में आपने कितना जोड़ दिया 9, 7, 63 हो गया 63 में सर जी आपने 5 जोड़ दिया तो 68 हो गया ओके 9, 6 कितना होता है 54 होता है 54 में सर जी आपने 6 जोड़ा तो 60 हो गया सर कितना हो गया 60 दो डिजिट पर आपने डेसिमल लगा दिया सर दो डिजिट पे क्या लगा दिया डेसिमल तो जरा ऑप्शन आप चेक करिए सर जी कितना 60.84 आ रहा सर अप्रोक्सीमेट ए आंसर क्या कर रहा सर जी मैच कर रहा है 71 है और ये 60 तो दैट मींस ए ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया अप्रोक्सीमेट आप यहाँ पे लगा देंगे अप्रोक्स बोलो
क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स आपको इस तरीके से यहाँ पे क्या करना था सर, एरिया फाइंड आउट करना था खासकर माइनर सेगमेंट का। बोलो क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीवी जो है आपके पास इस तरीके से बन गया। बोलो क्लियर। ये तरीका और कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से अगले क्वेश्चन में आपके क्या लिखा होगा सर जी, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन इसमें भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन एक क्वाड ऑफ ए सर्कल मींस जो है सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ द लेंथ ऑफ द क्वाड इज 10 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब इस बार जो है आपको क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है। यदि आपको मेजर सेगमेंट निकालना है तो इसका मतलब ये हो गया, लेट्स सपोज ये आपका क्वाड है सर 10 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे जो 60 डिग्री एंगल का अगेन फॉर्मेशन हो रहा है, तो वही सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, लेकिन यहाँ मेजर सेगमेंट तो ये डायमेंशन और ये डायमेंशन का हो जाएगा सर, सेम होगा रेडिया होने की वजह से। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब यहाँ पे जो 60 डिग्री आपके पास आ गया, तो हमें मेजर सेगमेंट बताना है ना, ठीक है भैया, मेजर सेगमेंट। ओके, तो इस तरीके से ओ ए आपका बी हो गया, ये पॉइंट पी मान लीजिए, इसको आप कहीं क्यू मान लीजिए सर, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सर, आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के बारे में बोला गया, पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14√3 1.732 दे रखा है। अब बात ही सर दिए, हम माइनर सेगमेंट निकाल देंगे। माइनर सेगमेंट निकालेंगे जैसे अभी हमने किया था, एरिया ऑफ बेसिकली क्या किया था, माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ जो है बेसिकली हमने ट्रायंगल किया था, ठीक उसी तरीके से जब माइनर सेगमेंट आ जाएगा तो कंप्लीट सर्कल के एरिया में से क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उस केस में हमें आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। ओके सर, तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्या लिख सकते सर जी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, बिल्कुल क्लियर हो गया सर जी। तो ये भी 10 सेंटीमीटर रेडिया यहाँ पे होगा सर जी, आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से थीटा अपन कितना हो गया, 360 डिग्री इंटू कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया सर, ठीक। इसके बाद मतलब माइनस सेक्टर हो गया OAPB का, और इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 r का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। ओके सर, अब यहाँ पे सर जी थीटा आपके पास 60 है, दैट मींस आपका 60 डिग्री हो गया, अपान में कितना हो गया 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू दे रखा 3.14 रेडियस आपका कॉमन है। इस तरीके से जो माइनस √3/4 सर, अभी देखिए क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था तो 0.9 करके कुछ आया था सर, या ध्यान आपको तो 0. कितना आया था सर, 9, ये आपको कितना आया था सर, 0. कितना आ गया था मेरे भैया, लोग 4.33 आया था, ठीक है सर जी, आप सॉल्व करेंगे जब, और आर स्क्वायर क्या हो गया सर, कॉमन हो गया, 3.4 लेंगे तो इस तरीके से अप्रॉक्सिमेटली आपका 6 आ गया, दैट मींस 1 अपॉन कितना आ गया 6 हो गया, माइनस 0. कितना हो गया 4.33 हो गया, इनटू आर मतलब 10 जा 100 हो गया, क्लियर है सर जी। अब 6 आपका 3.14 है, ठीक है, अब आपको मन के देखो कैंसिल भी करेंगे, 6 5 जा 30 हो गया, 14 6 2 जा 12 हो गया, अब बचा कितना 20, तो 6 आपका बेसिकली धन जगह, तो यहाँ पे जो है आपका 6 5 30 हो गया, ठीक है, आपका रिमाइंडर बच्चा 1 तो 4 मीन्स, ठीक है ना, अब इसके आप 30 में फिर 4 उतारा 14 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 20 हो गया, 6 3 जा 18, यही अभी थोड़ा देर पहले भी आपका आया था, ठीक है सर, माइनस 0.433 इंटू आप क्या करेंगे सर, 10 करेंगे 100 करेंगे, तो इस तरीके से अभी आपने माइनस किया था 0.90 आया था इंटू 100, दैट मीन्स 9 आपका अप्रॉक्सिमेट क्या हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, माइनस सेगमेंट का अप्रोक्सीमेट क्या है सर जी, यहाँ पे एरिया आ गया। अब आपको क्या निकालना, मेजर का निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जब आप फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा सर लास्ट लाइन, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के बारे में जब आप जिक्र करेंगे तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या करेंगे, माइनस से मींस एरिया ऑफ सर्कल, सर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस तरीके पाई मतलब 3.14 हो गया, आर का स्क्वायर मतलब कितना होता है 100 हो गया, 10 जा 100 हो गया, ठीक है ना भैया, आपको 10 दिया, माइनस 9 हो गया, दैट मींस कितना हो गया 314 माइनस 9 हो गया, दैट मींस माइनस करेंगे तो 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे सर जी राउंड ऑफ वैल्यू देखिए, तो कौन सा है सर, 304. क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 97 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 305 हो गया, बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से आपको क्या है सर, कैलकुलेशन करना होगा और आंसर को ऑब्टेन करना होगा। तो इससे ज्यादा कठिन आपको क्वेश्चन यहां पर नहीं बनाया जा सकता है पेपर में खासतौर, तो ये चीज आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को क्या करेंगे समझेंगे। कहीं पर भी डाउट आता है मेरे भाई बहनों तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप नहीं भूलेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।